नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। बिहार विधानसभा चुनाव हर राजनेताओं के सर पे मंडराने लगा है और ऐसे में पूर्णिया जिले के राडेहा पंचायत का एकमात्र मुख्य सड़क की जो स्थिति है, जिसे देखकर सुशासन की सरकार भी थर्रा जाए, चाहे विकास के नाम पर वोट मांगने वाले राजनेता भी शर्मा जाए। लाखों की आबादी वाला ये गाँव, जहाँ आज़ादी के बाद से अब तक लोगों ने सड़क का नामो निशान नहीं देखा है, उस सड़क की ये ऐसी स्थिति है। वो सड़क अब तक उद्धारक की बाट जोड़ता है। बात तो वही हो गई ना कि जो कागजों पे दिखता है वो धरातल पर ठीक उसके विपरीत होता है। हमारे संवाददाता मुजम्मिल यजदा ने वहाँ के लोगों से, वहाँ के ग्रामीणों से जब इस सड़क की बात करी है तो क्या कुछ उन लोगों ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट पे। ये बताइए, ये रोड जो खराब है इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार तो मुखिया है, MLA है, MP है। मुखिया का नाम बताइएगा। इराबर मुखिया मोहम्मद। मुखिया जी को बोले आप लोग? हम बहुत परेशान हुए हम लोग। क्या बोले मुखिया? बोलता है हमारा कोई बस की बात नहीं। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग तो करते हैं, रोड दीजिए। तो क्या मांग कर रहे हैं? तब से ये रोड ऐसा है, ये 50 साल हो गया। 50 साल से ऐसा है? ऐसा है, हम लोग खड्डे में डूब रहे हैं। अभी कोई बीमार हो जाएगा तो उसको कैसे हॉस्पिटल ले जाइए? बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। नहीं, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं है। चारपाई पर ले जा रहे हैं, चारपाई पे ले जाते हैं। गाँव कौन सा है? रारिया गाँव, प्रधान पंचायत। सर ये बताइए, आप अभी गाड़ी लेके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जवा पूर्णिया से आ रहे हैं। कैसे इतना रास्ता खराब है, कैसे गाड़ी लेके आ गए? बहुत खराब है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? स्थानीय विधायक सांसद को। तो इसके लिए आप लोग कोई प्रयास किए, आवाज उठाए? कितनी बार हो चुकी है प्रयास। कहाँ आप लोग प्रयास किए, किसके पास? स्थानीय सांसद और मुख्यमंत्री को भी भेजा गया है पत्र। अच्छा, ये रोड की स्थिति कब से ऐसा जर्जर है? ये तो हमको लगता है, ये हमको अत्यंत दुख हो रहा है कहने में, आजादी के 72 साल बाद भी ये सड़क की स्थिति ज्यों का त्यों है। अभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो गाड़ी नहीं आएगी यहाँ जाने के लिए हॉस्पिटल? उसकी मृत्यु यही 5 से 6 किलोमीटर रामनगर चौक जाने पे ही उसकी मृत्यु निश्चित है। लोकसभा क्षेत्र कौन सा आप लोग? मेरा लोकसभा क्षेत्र किशनगंज है, विधानसभा क्षेत्र अमौर हो। अमौर विधायक जी आपके यहाँ आए हैं? वो तो चुनाव के दौरान तो वादा बहुत करते हैं, किंतु चुनाव पश्चात वो उस वादे पर खड़ा नहीं उतरते। तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस सड़क को कंप्लीट किया जाए, पूरा किया जाए, जो कि पुनः जाकर रसेली घाट में यह मिलती है। तो यहाँ की आबादी, कितनी आबादी होगी इस सड़क? इसमें आबादी यहाँ से 5 लाख से ज्यादा की आबादी है, लेकिन इस रोड में प्रत्येक दिन 8 से 10 हजार की आबादी आवागमन होता है आदमियों का। आपका नाम क्या है? जगदीश पंडित। Yeah.